हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको ये मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि अगर पबजी को वापस आना है तो उसको टेंसेंट से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा बस कि टेंसेंट से रिश्ता तोड़ना ऐसी टेंसेंट के साथ अपना वो तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पबजी माना कि ब्लू होल कंपनी की है, पबजी है ब्लू होल की, पता है सबको पता है पबजी, लेकिन वो पबजी पीसी है। पबजी पीसी को पबजी मोबाइल जो पबजी मोबाइल जो गेम है जो बैन हुई है वो टेंसेंट ने बनाई है, वो भी अपने स्टूडियोज़ में। तो पबजी मोबाइल आप ऐसे बैन नहीं कर, मतलब पबजी ऐसे अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता टेंशन के साथ। जो इतने यूट्यूबर्स हैं वो इतना बोल रहे हैं कि ब्लू होल को अपनी पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी टेंशन के साथ, और वो लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि टेंशन को सिर्फ और सिर्फ 10% कमीशन जाता है, बाकी सारा 90% ब्लू होल को जाता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, पबजी मोबाइल जो है वो टेंशन ने अपने खुद के स्टूडियो में बनाया, खुद से डिज़ाइन किया है पबजी मोबाइल। तो पबजी मोबाइल कि जो पार्टनरशिप है वो टेंसेंट से तुम तोड़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और ये स्पेशली माफिया और ऑनिक्स जो ऑनिक्स गेमिंग वाईटी है उसके लिए, क्योंकि मैंने उसके चैनल पर उसने नई वीडियो डाली है, मैं अपने कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप जाके उसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे स्पेशली उसके लिए, क्योंकि मैंने उसके कमेंट सेक्शन में वैसे लिख दिया था कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, गलत है, फेक न्यूज़ मत स्प्रेड करो। वैसे फेक न्यूज़ स्प्रेड करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए। तो और आज की वीडियो में एक और ट्यूटोरियल है, जैसे कि आपको पता है, तो मतलब पहले तो ये बात हो गई कि टेंसेंट से पबजी मोबाइल अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, और दूसरी बात कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, स्पेशली सुनील गेमर वन ऑफ माय फेवरेट, वो बता रहे थे कि अपनी किसी वीडियो में, सुनील गेमर या कोई और यूट्यूबर, आजकल तो यूट्यूब खोलते सबसे पहले पबजी बैन, पबजी अनबैन, फेक या रियल प्रूफ कुछ भी, ये सभी बताते हैं मोस्टली। तो अब ये है कि जैसा कि मैंने किसी कल एक वीडियो में देखा था, मेरे को याद नहीं आ रही किसकी वीडियो थी, बट मैंने कल एक वीडियो में देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि पबजी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या ट्विटर पे, कि वो पबजी इंडिया में जल्दी से जल्दी अनबैन होगी, और उसके लिए पबजी वाले इंडिया के लिए अपनी खुद की एक मतलब एक इंडियन वर्जन बनाएगा, जैसे कोरियन वर्जन है, चाइनीज़ वर्जन है, तो ऐसे ही एक इंडियन वर्जन बनेगा। तो क्या पता वो न्यूज़ सच हो। और ये भी बोले कि उसके बाद आप अपने ग्लोबल वर्जन का अकाउंट उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, तो आपके अकाउंट के जाने की कोई रिस्क वाली बात भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है अगर ऐसा है तो ठीक है, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया ही है। और अब बात करते हैं अपने ट्यूटोरियल की। तो ट्यूटोरियल मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा नहीं करके, मैं आपको कैजुअली बस बताऊंगा, वो इजीली आप लोग कर लोगे अपने आप। ट्यूटोरियल में बस ये बताऊंगा, जैसे कि है मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप टूटू ऐप से पबजी के आर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, जो अभी बैकग्राउंड में वही वीडियो चल रही है, पबजी के आर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, और बट ये वाला जो वे मैं आपको बता रहा हूँ वो पबजी मोबाइल अभी अपडेट करने का, रैंगल 2.0 अपडेट करने का मेरे को सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड लगा है। क्योंकि देखो, मैंने कल बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, उसके अंदर वो बोल रहे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से जाके आप ये करो, फिर आप अपनी पबजी को डिलीट करो जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके बाद फिर आपको वो करना पड़ेगा, OBBS फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इतना ड्रामा होगा, उसके बाद फिर रिसोर्सेज भी डाउनलोड होंगे, जिसके अंदर तो मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था कि एक बंदे को तो 1.5 घंटा लग गया था, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको टूटू ऐप में जाना है, टूटू ऐप में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पबजी KR का भी अपडेट मिल, वहाँ से पबजी मोबाइल KR भी अपडेट कर सकते हो,
और पबजी मोबाइल ग्लोबल भी अपडेट कर सकते हो। मैंने अपनी पबजी अपडेट कर ली है और बस यही बताना था मेरे को, यही था आज के ट्यूटोरियल में। और अगर आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो तू ऐप्स को कैसे इंस्टॉल करना है या पबजी के ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं वो अपने, मैं आई बटन में वो वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बस यही बताना था आज की वीडियो में। और बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ये फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हो कि पबजी वाले टेंसेंट से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आई रिस्पेक्ट एवरी यूट्यूबर, बट फेक न्यूज़ स्प्रेड करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों को सिंपथी तो दे दोगे, हाँ मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, ये मैं भी नहीं बोल सकता इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बारे में, जैसे सुनील गेमर वगैरह हो गए, मैं नहीं बोल सकता उनके बारे में। सुनील गेमर ने तो मे भी ये बात बोली भी नहीं है, मुझे याद नहीं। मैंने कल एक किसी की वीडियो देखी थी, मैंने दो तीन लोगों की वीडियो देखी थी कल, उसमें से एक बंदे ने बात बोली थी। और आज सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने देखा ऑनिक्स ने भी एक वीडियो अपलोड करी थी, तो वो देखने के बाद मैंने सोचा कि आज जो ट्यूटोरियल डालूँगा के आर इंस्टॉल करने वाला, उसके अंदर ये भी बता दूँगा। तो गाइस, ये तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही है कि ये जो मैंने भी आपको बात बताई, तो बहुत सारे लोगों को पता ही है। बस ये ही बताना था आज की वीडियो में। और जो प्रूफ है कि मैंने अपडेट कर ली है वहाँ से, वो तो अगर आप मेरे बताए हुए ट्रिक से अपडेट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अपडेट हुई है या नहीं। और सेकेंडली ये कि मैं अभी सैटरडे आने वाले सैटरडे को स्ट्रीम करूँगा, ऑब्वियसली सबको पता है सैटरडे को मैं स्ट्रीम करता हूँ, तो तब मैं स्ट्रीम करूँगा, स्ट्रीम में आपको दिख जाएगा कि अपडेट हुई है या नहीं। मैं अपडेटेड वर्जन खेल रहा हूँ, पहले मैं सोचता कि अपडेट ना करूँ क्या फ़ायदा है, बस एक नया रंगल ही आ जाएगा, बट गाइस अपडेटेड वर्जन बहुत ही ज़्यादा ओपी है। मैं कल स्पॉन आइलैंड गया था, गाइस लिटरली स्पॉन आइलैंड का जो पूरा का इंटरफेस है, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, हर एक बिल्डिंग चेंज हो चुकी है, ऐसा रियलिस्टिक फील आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम खुद गेम के अंदर हैं। तो नया एरंगल बहुत अच्छा है। और स्पॉन आइलैंड से बोट लेके मैं नोवो गया था, नोवो तो मतलब ऑसम, ऐसा लग रहा है कि रियल के कंटेनर्स हैं, रियल कंटेनर्स, एकदम रियलिस्टिक कर दिया इन्होंने सब कुछ। तो नया अपडेट ट्राई करना चाहिए, बट हाँ अपने रिस्क पे, क्योंकि पबजी वालों ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बात बोली है और ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आज पर हमारी पबजी अभी जब तक बैन है, तब तक अगर हम पबजी को कहीं से भी, जैसे कि किसी और यूट्यूबर की आपने वीडियो देखी, उसने लिंक दे दी, लिंक से डाउनलोड करो या VPN लगा के डाउनलोड करो, या जो मैं बता रहा हूँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड करो, तो वही है। आप अभी आज या कल बहुत ज़्यादा ट्विटर पे वायरल हुआ था कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट 10 ईयर्स के लिए बैन हो गए। लोग ट्विटर पे पबजी को मेंशन करके बोल रहे हैं कि हमने अपडेट किया, हम खेल रहे थे थोड़ी देर तक, सब सही चल रहा था, बाद में बैन हो गई, 10 ईयर्स के लिए अकाउंट बैन हो गए। वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट अब जो पबजी लवर्स हैं जो प्ले स्टोर से नहीं कर सकते अभी पबजी इंस्टॉल, तो वो लोग अभी कर रहे हैं यहाँ से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन VPN हो गया, लिंक से जाके कर रहे हैं, OBBS फाइल्स, बहुत ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। और आज ये चीज़ मेरे को पता चली आज सुबह मैंने देखी सुनील गेमर की वीडियो, तो सुबह तो नहीं, खैर अभी देखी थी सुनील गेमर की वीडियो, तो उसमें सुनील ने दिखाया था ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेके, उसने जिसका अकाउंट बैन हुआ था उसका। तो अभी तो सुनील गेमर भी बोल रहे कि अभी आप अपडेट ना करो तो बेटर रहेगा, अगर आप लोग अभी भी अपडेट कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या किसी और चीज़ से, तब आप अपने रिस्क पे अपडेट कर रहे हो, तो सही बात भी है वैसे, एक रिस्क क्यों लेना। अब अगर आपने अपडेट कर ली
आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन क्या पता वो खुशी से वो सिर्फ 2 दिन की हो, बाद में आपका अकाउंट ही बैन हो जाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देख लो, मैंने तो आपको बस बता दिया, और ये मैंने भी अपडेट करी क्योंकि मेरे को पता नहीं था कल तक। अब मेरी नॉन अपडेटेड थी और डेवल भाई ने अपडेट कर ली थी। अब मैं खेले खेले क्या करता, खेलते हैं खेले मज़े ही नहीं आते, इसलिए माफिया ने भी अपडेट कर ली थी। सबके पास अपडेटेड वर्जन था, मैं खेल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने रात को तो तू ऐप से अपडेट किया, मेरे को पता था तो तू ऐप से हो जाएगा, तो बस मैंने वहाँ से अपडेट कर ली। अब मेरे को भी डर लग रहा है कि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट 10 ईयर्स के लिए बैन हो चुका है, और अब अगर ये अकाउंट भी 10 ईयर्स के लिए बैन हो गया, गाइस मैं सीरियसली कह रहा हूँ, एक बार को मैं COD पे शिफ्ट हो जाऊँगा। बट पबजी का नया अकाउंट बनाने के बहुत कम चांसेस है, और वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम लॉग आउट करके वापस लॉग इन करने लगते हैं तो फिर वो हमारी गेम चलती नहीं है, तो मेरे को वो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो वही है बस, अब अगर मैं नया अकाउंट भी बनाऊंगा लॉग इन करने के लिए तो क्या पता वो लॉग इन ही ना हो। रिस्क फैक्टर पर नहीं रहना है मेरे को, तो मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और मैं अभी भी वीडियो के एंड में भी बोल रहा हूँ अपने रिस्क पे आप इंस्टॉल करें अगर आप करें तो, वरना मैं तो अभी बोल रहा हूँ बेस्ट रहेगा आप सिंपल खेल लो। अभी आपके जिस उस पे क्या कहते हैं जिस वर्जन पे आप उस वर्जन पे खेल लो, अपडेट मत करो। अगर आपका पुराना वर्जन है ठीक है, पुराने वर्जन पे खेल लो, नया वर्जन अगर आपने कर लिया है तब आप रिस्क में हो। पबजी बैन कर क्यों रहा है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पबजी ने इंडिया के लिए खुद ही सर्वर्स अभी तक खोल रखे हैं, और इंडियंस के पास कोई सोर्स नहीं है अपग्रेड करने का। तो अब अगर हम इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो BBS VPN लिंक्स यहाँ से डाउनलोड ना करें तो हम कहाँ से करें। तो एक पबजी से भी ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लोगों के अकाउंट बैन ना करें जिन जिन लोगों ने अपडेट कर लिए। ऑब्वियसली बात है, लोगों ने अब जिनके अकाउंट चल रहे हैं जैसे डेविल, वो इतना खुश हुआ था ये चीज़ देखे, क्योंकि अभी अभी उसने इतने यूसी खर्च करके एंडी भी लिया, कार्लो भी मैक्स किया, रॉयल पास भी लिया, तो उसकी इन्वेंट्री भी इतनी ज़्यादा कुछ सस्ती नहीं है। वो गेम के ऊपर मानो कि उसकी इन्वेंट्री में इतना कुछ है नहीं, बट वो सीरियसली गेम के ऊपर डेविल क्लैशर अराउंड 40,000 रुपीज़ खर्च कर चुका है। उसकी इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वो सीरियसली 40,000 से ज़्यादा रुपीज़ अपनी इन्वेंट्री के ऊपर खर्च कर चुका है। बट वो किस्मत की बात है कि कुछ मिले या ना मिले, तो किस्मत ख़राब है उनकी, उनको नहीं मिला। बट गाइस सीरियसली 40,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और अगर उनको कोई बोले कि ये तुम्हारा अकाउंट बैन हो गया है या पबजी नहीं चल रही, तुम नहीं खेल पाओगे, अब तो ऑब्वियस ही बात है बुरा लगेगा, क्योंकि हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि हम ऐसे अफोर्ड कर सकें हमारी यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, नहीं है, हम सिंपल प्लेयर हैं, इसलिए हमको अफेक्ट करती है वो चीज़। तो होप यू विल अंडरस्टैंड, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, और आपके ऊपर है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपडेट करो। ओके गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।